अरविंद केजरीवाल को किसी ने थप्पड़ भी मारा था रोड शो के दौरान, तो देखिए ना, भगवान ने उनको अपने आप ही जवाब दे दिया, हमें तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुनीश देवगन। ये जो आपने अभी सुना सपना चौधरी की, वो प्रतिक्रिया थी जो अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने के बाद आई। इसके पीछे क्या था हम आपको बताते हैं, ये सपना चौधरी ने क्यों कहा। शुक्रवार की बात है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की एक जनसभा में, जब वो वोट मांगने गए आम आदमी पार्टी के लिए, वहाँ उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी अच्छा नाच लेते हैं लेकिन वो अच्छे नेता नहीं हैं। इसके बाद सपना चौधरी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसका जवाब जल्द मिलेगा। उस पर क्या बोलेंगे, वो ही बोलते हैं कि केजरीवाल जी को भी उनका जवाब शायद मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको अच्छे से जवाब देंगे, और हम जवाब देने वाले कौन होते, पब्लिक अपने आप जवाब देगी। लेकिन जैसे ही एक शख्स ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, थप्पड़ मारा, उसके बाद सपना चौधरी की क्या प्रतिक्रिया थी, आप पहले ये पूरा भाषण सुनिए, हम आपसे फिर मिलेंगे। वोट देने जरूर जाएं, कमल का बटन दबाएं, मनोज जी को जिताएं और साथ के साथ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। कहा करते हैं कि अच्छा इंसान कभी नहीं हारता, अगर इंसान अच्छा हो तो वो कभी नहीं हारता। मनोज जी उन्हीं में से एक है, वो कलाकार हैं, वो एमपी भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जीतेंगे। आप लोग हाथ उठाकर उन्हें अपना समर्थन दे दीजिए और बता दीजिए कि 12 तारीख को आप किसे वोट देंगे। और बहुत अच्छा लगा, अभी बहुत सारी सभाओं में जाना है, माफ कीजिएगा, अगर जीतते हैं तो फिर आएंगे, और अब की बार वोट मांगने आए हैं, अगली बार प्रोग्राम लेके आएंगे। हमारा यूथ, हमारा हिंदुस्तान का जो जवान खून जिसे बोलते हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ कि पागल नहीं है, सबको सही और गलत का अंदाजा हुआ करता है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि किसको क्या करना है। दोस्तों आपको बता दें, सपना चौधरी जो मनोज तिवारी के लिए लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, लेकिन मनोज तिवारी कई बार कह चुके हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी। मनोज तिवारी के साथ वो हर जनसभा में जाती हैं और मोदी मोदी के नारे लगाती हैं, आप भी एक बार सुनिए। सिर्फ एक ही नारा गूंजना चाहिए, मोदी 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 मोदी, जय हिंद जय भारत। तो आपने देखा दोस्तों, किस तरीके से सपना चौधरी मनोज तिवारी के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं और अरविंद केजरीवाल पर वो जमकर अब सीधा हमला कर रही हैं। दिल्ली तक की टीम, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि अरविंद केजरीवाल पर जो थप्पड़ से हमला किया गया, हम उसका सपोर्ट नहीं करते। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सामने आकर ये कहा कि अगर उन पर दोबारा हमला होता है तो ये केंद्र सरकार की नाकामी होगी, क्योंकि उन्होंने गिनाया कि पिछले 70 सालों में शायद ही देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जिस पर 9 बार हमला किया गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा हमारे वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया।